हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल दैट गर्ल। तो वेलकम उन लोगों के लिए जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, और वेलकम बैक उन लोगों के लिए जो मेरी वीडियोस बार बार देख रहे हैं। तो जो लोग पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हैं उन लोगों को एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी हमारी फैमिली में ऐड हो सके। और यस, जो लोग बार बार आ रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। तो आज की वीडियो के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें शॉपिंग करना और देखना दोनों पसंद है। तो आज की वीडियो है मीशो शॉपिंग हॉल। बेसिकली मैंने मीशो से पहली बार ही शॉपिंग करी है, और वो भी इस चक्कर में ताकि मैं देख सकूं कि कैसे प्रोडक्ट, कैसे क्वालिटी प्रोडक्ट आपको मिलते हैं मीशो से, क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि मीशो आपको काफी कम रेंज, कम प्राइस रेंज में काफी अच्छी क्वालिटी देता है, ये मिलता है वो मिलता है। तो आई थॉट व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। तो मैंने बहुत सारी चीजें मंगाई हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें मंगाई हैं, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। वेल, मुझे ज्वेलरी का इतना शौक है कि मैं आपको क्या ही बताऊं, जितना बताऊंगी उतना कम है, क्योंकि मुझे सिल्वर ज्वेलरी से इतना क्रेज हो चुका है कि मैं जब भी कोई ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ या फिर मैं कभी मार्केट जाती हूँ किसी भी मार्केट में, तो एटलीस्ट एक पीस ऑफ ज्वेलरी तो मैं लेकर आती हूँ, एंड स्पेशली इयररिंग्स के। तो मैंने ऑनलाइन भी कुछ ऐसा ही किया है, मीशो से मैंने काफ़ी पीसेस मंगाए हैं ज्वेलरी के, तो देखते हैं उनकी क्वालिटी कैसी है। तो सबसे पहला पीस मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ये वाला, और एंड यस प्राइस मैं बता देती हूँ, प्राइस मुझे किसी का भी याद नहीं है लेकिन मैं देख के वीडियो में ज़रूर डाल दूंगी। तो सबसे पहला जो पीस है वो ये है, एक रिंग है और दो इयररिंग्स है इसमें, और ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है जो भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था मीशो से उसमें से। तो सबसे पहले आपको एक रिंग मिलेगी, जो पीस कुछ आपको ऐसा मिलेगा, एंड ये सारा ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है जितनी भी मैंने मंगाई है, दिस वन ऑल्सो, और इसमें आप देख सकते हो मल्टी कलर स्टोन्स भी लगे हुए हैं ये। तो ये आप किसी भी कलर के ड्रेस के साथ आप ज़रूर इसे चला सकते हो। और अगर मैं इसके इयररिंग्स की बात करूँ तो यू आर गेटिंग दीज टू पेयर ऑफ इयररिंग्स, सॉरी वन पेयर ऑफ इयररिंग्स, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल हैं। और अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि अगर आपको मीशो से मंगाना हो तो आप डायरेक्टली पिक्चर डाल के सेम पीस ले सकते हो। एंड यस, प्राइस मुझे याद नहीं है, बाकी इफ़ यू वॉन्ट टू सी आपके फेस पे कैसा लगेगा, तो इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। एंड क्वालिटी की मैं बात करूँ तो यस, कोई कमी नहीं है, कोई भी स्टोन मिसिंग नहीं है, दैट इज़ द बिग थिंग। बाकी ऑक्सीडाइज है तो ख़राब होने का भी डर नहीं है, और प्राइस मैं डाल दूंगी, मैं भूलूंगी नहीं। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये काफ़ी अच्छा पेयर है कानों के लिए और फिर हाथों में भी, सी सेम पेयर। तो ये था फर्स्ट ज्वेलरी पीस जो मैंने ऑर्डर किया था। वैसे मुझे इनका प्राइस याद आ चुका है, ये थे 143 के, और आई थिंक ये वन ऑफ द ब्यूटीफुल है, और मैं ये बहुत बार बोल चुकी हूँ। अब जो दूसरा पैर मैं, अब जो दूसरी ज्वेलरी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, उसमें आपको एक नेक पीस मिलेगा सिल्वर और दो इयररिंग्स। तो दिखा देती हूँ मैं नेक पीस आपको कैसा मिलेगा, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। इतना चोकर टाइप ही है, इट्स ब्यूटिफुल, और ट्रेडिशन के साथ ऑलमोस्ट मैंने जितनी ज्वेलरी मंगाई है वो सारी ट्रेडिशन वेयर के साथ काफी अच्छी लगने वाली है। मैं आपको एक बार पहन के दिखाई, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। और ये बहुत ही प्रिटी लगने वाला है अगर आप लोग भी पहनोगे किसी भी, इनफैक्ट आई थिंक सिल्वर ज्वेलरी का यही सबसे प्लस पॉइंट होता है कि वो आप किसी भी कलर के साथ चला सकते हो, ब्लैक, रेड, ग्रीन, येलो, जो भी सिंपल सूट होते हैं दे विल वर्क। इनफैक्ट आप ये लहंगे के ऊपर भी पहन सकते हो, तो आई एम लविंग दिस वन एज वेल। तो ये था नेक पीस, एक मिनट, तो
ये नेक पीस आपको इस ज्वेलरी सेट में मिलेगा। इसकी अगर मैं बात करूं, यस, कोई भी मिरर मिसिंग नहीं है, वो भी प्लस पॉइंट है। और सारी ज्वेलरी मैंने ऑक्सीडाइज ही मंगाई है, तो कोई भी टेंशन नहीं है कि काला पड़ जाएगा या खराब हो जाएगा। ऑल्सो मिरर भी मिसिंग नहीं है। वेट की मैं बात करूं तो बिल्कुल कंफर्टेबल वेट है, और अगर आप इसे पहनोगे तो इट्स नॉट लाइक कि आपकी गर्दन में ये चुभेगा, तो बहुत ही कंफर्टेबल सेट है। बट मुझे इसका प्राइस याद नहीं है, लेकिन मैं देख के जरूर वीडियो में डाल दूंगी। और इसके इयररिंग भी मैं दिखा देती हूँ। इयररिंग्स मिलेंगे इस शेप में। मुझे इयररिंग्स इतने कुछ खास लगे नहीं, बट इट्स ओके, सेट के साथ आए हैं तो नो प्रॉब्लम। हम या तो सिर्फ ये नेक पीस भी तो पहन ही सकते हैं अकेले, तो जरूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा ही सेट पहनना है, बट इट्स ओके, ठीक है ये भी। और अगर मैं इनकी वेट की बात करूँ तो बिल्कुल लाइट वेट है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके कानों पे, तो कोई दर्द नहीं होने वाला। और साइज आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट इतना कवर हो जाएगा। तो इयररिंग्स भी ठीक है, इनफैक्ट इनमें भी कोई मिरर मिसिंग नहीं है। लेकिन इसमें एक नेगेटिव पॉइंट तो नहीं कहूंगी, बट एक मिसिंग पॉइंट है, या फिर ये कहूं कि एक मिसिंग कहूं या फिर एक नेगेटिव मार्किंग पॉइंट कहूं, तो वो ये है कि इसमें जो मिरर्स चिपकाए हुए हैं वो अच्छी तरह से नहीं चिपके हुए। जो फेविकॉल लगाया गया था मिरर पे वो इनके ऊपर आ चुका है, तो अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है। बस एक यही नेगेटिव मार्किंग वाला पॉइंट मैं आपको बता सकती हूँ इसमें, अदरवाइज इट इज परफेक्ट और मुझे ये काफी अच्छा लगा। तो ये था हमारा सेकेंड पीस। और थर्ड पीस सिर्फ इयररिंग्स है, जो कि काफी ट्रेंडी है, जो और आप लोगों ने इंस्टा वगैरह पे जरूर देखे होंगे रील्स में, और वो है ये वाले इयररिंग्स। ये वाले भी बहुत 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 प्यारे इयररिंग्स है। आई वुड से कि ये मैं काफी टाइम से चाह रही थी। मेरे पास ऐसे बड़े सिंपल गोल हैं, बट मेरे पास ऐसे नहीं थे जो अलग से पीस लटके, तो मैंने सोचा ये वाला भी मैं ऑर्डर कर देती हूँ। एंड ऑब्वियसली ट्रेंडी है, तो ऑब्वियसली करना तो था ही। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक पीस जो है वो आपके नेक का एरिया कितना कवर करेगा। तो इट विल ऑलमोस्ट कवर ऑल योर नेक एरिया। तो आई थिंक इसे इन्हें पहनने के बाद आपको गले में पहनने की जरूरत नहीं है, इट विल सिर्फ कानों में ही काफी रहेंगे। और वेट की बात करूं तो इतना वेट नहीं है, आई थिंक 1 ग्राम का वेट होगा या 2 ग्राम का, बट कंफर्टेबल है। इयररिंग्स मैंने सारे पहन के देखे हैं, तो ऑब्वियसली पहन के ही बताऊंगी कंफर्टेबल है कि नहीं। तो मैंने ये भी पहने हुए थे, और आई थिंक ये भी आपके ट्रेडिशनल वेयर के साथ बिल्कुल परफेक्ट जाएंगे, तो आप लोग इन्हें जरूर ऑर्डर कर सकते हो। और इनका प्राइस अगर मैं आपको बताऊं तो 148 है प्राइस, सॉरी 148 कि आपको ये दो इयररिंग्स मिलने वाले हैं। आई थिंक प्राइस ठीक ही है, इतना ज्यादा नहीं है। यस, कोई भी डिफेक्ट नहीं मिला है। बाकी अगर मैं आप मुझसे बिल्कुल डिटेल में पूछो कि बिल्कुल कोई कमी नहीं है, तो मैं ये कहूंगी कि जो इसका पीछे का है वो थोड़ा क्लीन होता तो ज्यादा और ज्यादा अच्छा होता, लेकिन आई डोंट थिंक सो पीछे से कुछ फर्क पड़ेगा। बाकी इट्स गुड, आई वुड नहीं, अरे यार, मेरे को आप लोगों को 10 out of 10 दे देना चाहिए था कि मैं इन पीसेस को कितना दूंगी। ओके, मैं आप बता ही देती हूँ। इस वाले को आई वुड गिव 10 out of 10 बिकॉज ये मेरे सबसे फेवरेट है, और इनमें कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। और इस नेक पीस वाले को जस्ट बिकॉज इसमें सफाई नहीं है, आई वुड से सफाई का मतलब जो फेविकॉल के जो स्टेन है वो मिरर पे लगे हुए हैं, बट अदरवाइज आई वुड गिव 8। और इनकी मैं बात करूं तो यार, पीछे के लिए आई थिंक मार्क्स कट करना इज नॉट ओके, तो मैं इसे भी 10 out of 10 ही दूंगी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ फोर्थ पीस ऑफ ज्वेलरी। जो फोर्थ इयररिंग्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है ये चांद वाली बालियां। ये भी काफी 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 सुंदर है, वन ऑफ माई फेवरेट्स जितने भी मैंने ऑर्डर किए हैं।
और वेट की बात करूँ थोड़ा सा हैवी है, बट इट्स ओके, इतना चलता है। अगर आपको इस साइज में अगर आपको चाहिए तो ऑब्वियसली थोड़ा सा वेट तो आपको लेना ही पड़ेगा अपने कानों पे, बट आई वुड से दे आर सो 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 ब्यूटिफुल। ये आई थिंक उससे भी ज्यादा एरिया कवर करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये दोनों ही देख लो साथ में कैसा लगता है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये आपका सर्कुलर एरिया कवर कर लेता है और ये आपका वर्टिकल एरिया कवर कर देता है। तो दोनों ही अपनी 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 जगह पे काफी सुंदर है। और इस पे ये जो चांद का डिजाइन बना हुआ है, चांद और सितारे, दैट इज द फेवरेट पार्ट। और ये जो नीचे इन्होंने घुंघरू लटका रखे हैं, ये असली वाले घुंघरू नहीं है, आपकी यहाँ पे छन छन आवाज नहीं आने वाली। और किसी भी ट्रेडिशनल वेयर के साथ तो दे आर रेडी टू गो। और अगर मैं इसकी एक डिफेक्ट या नेगेटिव मार्किंग दूंगी तो वो सिर्फ इसलिए दूंगी क्योंकि इसमें भी नीटनेस मुझे इतनी नहीं लगी है। ये जो आप आगे इधर देख लेते हैं, ये जो आप आगे स्पेस देख रहे हो मिरर और इस सिल्वर वाली चीज के बीच में, तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक है। तो अगर ये भी साफ होता आई वुड से कि मैं इसको 10 out of 10 ही देती, बट अब अगर ये है तो आई वुड गिव इट 10 out of 9, बट दे आर सो ब्यूटिफुल, जस्ट लुक एट देम, राइट। आई थिंक वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं सारी शॉपिंग दिखाऊंगी, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ ज्वेलरी रखने वाली हूँ। बाकी के प्रोडक्ट्स मैं आपको दूसरी वीडियो में ही दिखा दूंगी, मैं साथ साथ रिकॉर्ड कर लूंगी तो साथ साथ ही पार्ट 2 भी डाल दूंगी। तो अगर आप लोगों को वो देखना है तो वो भी देख सकते हो। तो सेकेंड पैर जो सेकेंड तो नहीं, एक्चुअली ये वाला इयररिंग और ये वाला इयररिंग जो था ये कॉम्बो में था। दोनों मेरे को पड़े हैं अराउंड 192, तो आई थिंक ये 100 100 ऑलमोस्ट 100 100 ही लगा लो, तो ये 192 के मिले थे कॉम्बो में। तो ये वाला तो मैंने आपको बता दिया है। इसकी मैं बात करूं अगेन, ये थोड़ा सा मल्टी कलर में है, इसमें स्टोन भी दिखेंगे आपको ये मल्टी कलर वाले, तो दे आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल। और ये जो मोर का डिजाइन यहाँ पे बना हुआ है इससे ये और ज्यादा अच्छा लगता है। और ये आई थिंक आपकी अगेन किसी भी ट्रेडिशनल वेयर के साथ चल जाएंगे। और वेट की मैं बात करूँ तो आई थिंक इसमें कोई वेट है ही नहीं, आप पहनोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ पहना भी हुआ है। इसमें थोड़ी सी छन छन आवाज आती है, मैं आपको सुनाती हूँ, और सेम इसमें आती है, दैट इज ऑल्सो गुड। 1 मिनट, बट इसमें जो आवाज आती है वो मेरे को काफी अच्छी लगती है। और इस इयररिंग का सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को ये वाला पीस लगता है क्योंकि ये छोटा सा पीस है, बट इसमें भी इन्होंने मोर का डिजाइन डाला हुआ है, तो वो बहुत क्यूट लगता है मुझे। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, जस्ट लुक एट दिस। तो मुझे इसका ये वाला पार्ट बहुत अच्छा लगता है। बाकी अगर आप ये कानों में लगाओगे तो देख लीजिए आपको कैसा लगेगा। ओहो, ऐसा कुछ लगने वाला है। और ये आई थिंक आपके पूरे एरिया पूरे कान को कवर भी कर लेता है, गर्दन को कवर कर लेता है। इसके बाद आपको नेक में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लाइट वेट बिल्कुल ही वेट नहीं है इस, और वुड से कि इसमें बिल्कुल भी वेट नहीं है, तो इसमें ये सबसे प्लस पॉइंट है। बाकी आई वुड गिव 10 out of 10। इसमें मुझे कोई ऐसी चीज नहीं लगी कि भाई ये मिसिंग है या फिर ये खराब है, तो इसको मैं पूरे 10 out of 10 देने वाली हूँ। ये था हमारा लास्ट पीस ज्वेलरी का, जो कि थे थोड़े से वेस्टर्न वेयर के लिए भी और ट्रेडिशनल वेयर के लिए भी जो मैंने मंगाए थे। तो ये थोड़ा सा डायमंड में ही है, बाकी आपको देखने में दिख रहा होगा कि इसमें थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है यहाँ पे ये, बाकी अदरवाइज इट्स गुड टू गो। बट इसकी वजह से इसकी सारी लुक खराब हो रही है। और इसका प्राइस मैं बताऊं तो इट वाज 154, 154 को 154 का आपको ये वाला पीस मिलने वाला है। अगर इसमें ये वाला डिफेक्ट नहीं होता तो ये भी काफी अच्छे लगने वाले थे। और ये उन इयररिंग्स में आते हैं जो सिंपल भी रहते हैं और आपको ज्यादा आपको ओवर ड्रेस भी नहीं दिखाते और आपको लेस ड्रेस भी नहीं दिखाते हैं। तो ये आपका बिल्कुल, मैं दिखा देती हूँ, लेंथ इसकी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इतनी जाती जितनी ऑलमोस्ट मेरी हर इयररिंग की जा रही है। एक्चुअली आई लाइक बिग बिग वन, जो बड़े वाले इयररिंग्स होते हैं तो वो मुझे पसंद है, इसलिए मैंने सारे इसी साइज के ऑर्डर कर दिए।
तो ये भी ऑलमोस्ट उतनी ही लेंथ का है, और ये इसका प्लस पॉइंट मैं कहूंगी, अगर इसका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इसका नेगेटिव पॉइंट है, तो इसका प्लस पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि ये आप वेस्टर्न वेयर और ट्रेडिशनल वेयर दोनों पे पहन सकते हो। बाकी जितने मैंने पीसेस दिखाए वो आप सिर्फ ऑलमोस्ट ट्रेडिशनल के साथ ही चला सकते हो, बट अदरवाइज ये वाला पीस, बट ये वाला पीस आप किसी भी वेस्टर्न या फिर ट्रेडिशनल दोनों के साथ चला सकते हो। तो ये था लास्ट पीस जो मैंने आपको दिखाया, और इसका प्राइस भी बता दिया है। वेट की मैं बात करूं तो वेट बिल्कुल ही ना बराबर है, और साइज भी मैंने बता दिया है। कलर तो यू नो ये वाला कलर तो इसमें कुछ है नहीं, तो आप डायमंड वाली चीज किसी के भी साथ चला सकते हो, चाहे उसमें मिरर वर्क हो या फिर स्टोन वर्क की ड्रेस हो, तो उनके साथ भी ये काफी अच्छा चलने वाला। तो ये था सारा ज्वेलरी जो मैंने मीशो से मंगाया था। तो ज्वेलरी में अगर मैं बोलूँ तो ऑलमोस्ट पूरा ओवरऑल दूं तो 10 में से आई वुड से 9, अदरवाइज आपको कोई डिफेक्टेड पीस नहीं मिलता है। पता नहीं अभी मेरा लक था कि क्या, बट मुझे इतना डिफेक्टेड पीस नहीं मिले हैं इतने, तो बाकी आप लोगों के लक पे डिपेंड करता है। और अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप मेरा यूट्यूब शॉर्ट्स देख सकते हो, हर पीस का मैं शॉट डाल दूंगी, तो आप वहां से जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी चीजों के लिए मैं वीडियो जरूर डालूंगी, पार्ट टू बना दूंगी, और उनकी क्वालिटी के बारे में भी आप लोगों को जरूर बताऊंगी। अभी फुटवेयर और क्लोदिंग और होम प्रोडक्ट्स कुछ रह रखे हैं, तो वो भी आप लोगों को मैं दिखा दूंगी, बट उसके लिए आपको ऑब्वियसली सेकंड पार्ट का वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए, अपने कमेंट कर दीजिए, एंड यस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और अगर आपका मन करे तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।